ये आर्ग्यू कर रहे हैं उनकी समझ में भी बड़ा प्रॉब्लम है। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा समाप्त होने से धारा 373 समाप्त नहीं हो जाता है, धारा 373 यथावत रहता है। मान्यवर, न्यायालय ने यह भी माना कि धारा 370 के तहत मिली हुई शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय एक तरफा सूचना जारी कर सकते हैं जिसको संसद के दोनों सदनों का सादे बहुमत से अनुमोदन चाहिए। यह भी आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। जो कहते थे कि राष्ट्रपति महोदय का सीओ ठीक नहीं है, आज उसका भी जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। माननीय उपयुक्त बिंदुओं का सीओ 272 पर कोई प्रभाव नहीं है, यह भी सिद्ध करते हुए अनुच्छेद 371D के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड कर दिया है कि क्योंकि जब अब धारा 370 समाप्त हो चुकी है, अब जम्मू कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। मान्यवर, न्यायालय ने चुनाव कराने के लिए भी चुनाव आयोग को निर्देश किया। मान्यवर, बहुत सारे लोग अब इसमें तो इतना सारा लूट गया, जो दावे थे सारे खारिज हो गए, तो एक पूंछ पकड़कर मैंने बाइट देखा करते हैं। क्या पूंछ पकड़ते हैं कि चुनाव आयोग ने ऑर्डर कर दिया। अरे भाई, क्या ऑर्डर करा? मैंने स्वयं कहा है कि हम चुनाव कराएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसी सदन में कहा है, लोकसभा में करा है, एज अ गृह मंत्री ऑन रिकॉर्ड करा है। उन्होंने कहा कि भाई राज्य का स्टेटस वापिस देंगे, तो ये भी मैंने कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम पर राज्य का स्टेटस हम वापिस देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो कहा है उसमें मेरे सदन में के बयान को और सॉलिसिटर जनरल के सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान को कोट करते हुए कहा है। अब मुझे कोई समझाए इसमें विजय कहां से हुई है? घोर पराजय में विजय कैसे ढूंढना, इसकी कला कोई आप लोगों से सीख ले साहब। इतने बड़े घोर पराजय विजय कैसे ढूंढना, इसका कोई अभ्यास वर्ग साहब रखना चाहिए साथ अर्थ में। ये बहुत बड़ी कला है। मैं तो आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे एक महीना सदन में ना आता। मगर ये तो प्रेस कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस करी मान्यवर। और प्रेस में क्या किया कहा कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने ये कहा मान्यवर कि ये जजमेंट आने के बाद भी हम मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। अब मान्यवर, देश के दोनों सदनों ने, देश की संसद की दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के सीओ को अनुमोदना दे दी। कानून पारित हो गया, कानून नोटिफाइड हो गया, किसी ने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सबका अधिकार है, करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस भी हुई, 5 जजों की बेंच बनी और 5 सीनियर मोस्ट जज बने बैठे इसमें। लंबी बहस, सबकी सुनवाई हुई, आज फैसला भी आ गया। मगर ये फैसले के बाद भी ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं और हम मानते हैं कि धारा 370 गलत तरीके से हटाया गया है। मान्यवर, मैं इनको नहीं समझा सकता, मेरी तो मर्यादा है ऐसा, नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है। हमें समझना चाहिए कि 42,000 लोग मारे गए हैं। क्यों मारे गए? सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। इनसे ज्यादा मुसलमान गुजरात में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान असम में है।
क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ, क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब। कई ऐसे राज्य है, राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती, क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं था। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे, ये फैसला गलत है। देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले को चिपक कर रहना चाहते हो तो देश की जनता देखती है, 2024 में दो दो हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। माननीय, मैं जिस दो बिल को लेकर आया हूं, वो दो बिल एक प्रकार से सभी पार्टियों को मैंने सुना है, सर्वानुमत से बिल के तत्व को सबने समर्थन किया है, बिल का जो तत्व है, कंटेन है, इसका किया है। मुझे था कि डिटास खड़े हो जाएंगे कि हम ऑपोज में खड़े हैं, मगर मैं सभी पार्टियों को कहता हूं, तब ये तो काउंट करता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी कभी अच्छे काम का समर्थन नहीं कर सकती है, इसलिए सभी पार्टियों से मेरा मत बाकी दलों से। मान्यवर, कमजोर और वंचित वर्ग, ये जो नाम है, किसी भी नागरिक की डिग्निटी को बहुत हर्ट करने वाला नाम है, अंतर की गहराइयों तक दुख खड़ा करने वाला नाम है। और बहुत समय से था, आज प्रधानमंत्री जी ने एक जो फैसला लिया है, जिस फैसले को वास्तविक स्वरूप देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, इसमें कमजोर और वंचित वर्ग की जगह अन्य पिछड़ा वर्ग ये नाम जोड़ने का फैसला दिया है, जो संवैधानिक तम से संवैधानिक शब्द है। मान्यवर, दूसरा बिल जो है, वो दूसरा बिल जम्मू कश्मीर में सालों से अलग अलग प्रकार के विस्थापित हुए। मान्यवर, 80 के दशक से आतंकवाद की शुरुआत हुई, 89 से चरम सीमा पर पहुंचा, ढेर सारे कश्मीरी हिंदू, विशेषकर कश्मीरी पंडित और ढेर सारे सिख भाई घाटी छोड़कर पूरे देश भर में बिखर गए, जम्मू में गए, बेंगलुरु गए, गुजरात गए, दिल्ली गए, फरीदाबाद गए, देश भर में बिखरे। सभी राज्यों ने उनकी आवभगत भी की, सभी राज्यों ने उनको रिजर्वेशन भी दिया, कई राज्यों ने उनको नौकरी में प्रायोरिटी दी भी। कश्मीरियों को गला गले लगाने का काम पूरे देश ने किया है, पूरे देश की जनता। मान्यवर, वो बिखरे और ऐसे बिखरे कि अपने ही देश में वो विस्थापित हो गए, निराश्रित हो गए। जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति थी, वो दर दर की ठोकरे खाने के लिए मजबूर हो गए। मान्यवर, उन लोगों को सम्मान देने के लिए, और ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 46,631 परिवार जो रजिस्टर्ड है वो वहां से विस्थापित हुए हैं, और 1,57,967 लोगों ने हमारे बहुत प्रयास के बाद, 19 के बाद हमने एक अभियान चलाया, हर शहर में जाकर एडवर्टाइज दिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है, और इतने लोग अब तक रजिस्टर हुए। तनख्वाह साहब ने कहा कि बहुत सारे हैं, करना चाहिए, मैं तो उनको निमंत्रित करता हूं, तनख्वाह स्वाब आप जितने भी छूट गए इसकी सूची लाइए, आधी सेकंड में मैं रजिस्टर कर आपको एक्नोलेजमेंट। मान्यवर, ऑनलाइन प्रक्रिया है, और मैं आज इस महान सदन के माध्यम से देश भर में बिखरे पड़े कश्मीरी पंडित और अन्य विस्थापितों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार आपको न्याय देने के लिए कमिटेड है। आप मुझे लिखिए, कश्मीर सरकार को लिखिए, किसी भी विज्ञ के बगैर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, आप मतदार भी बनोगे, चुनाव भी लड़ पाओगे, और जम्मू कश्मीर के अंदर आप मंत्री बनकर भी जा सकते हो। आपको पूरा मान्यवर, 3 युद्ध भी हुए, 1947 में और 48 में युद्ध हुआ,
31,779 परिवार आज के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से शरण लेकर भारत में आए। इनमें से 26,319 परिवार तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में बसे और शेष 5,460 परिवार अन्य भागों में बसे। दूसरा युद्ध हुआ 65 और 71 का और छंब और नियाबत क्षेत्र से लगभग 10,065 परिवार विस्थापित हुए। 3500 परिवार 65 के युद्ध में हुए और इतने ही करीब करीब 71 के युद्ध में हुए। अब तक 47, 65 और 71 के युद्धों में लगभग 41,844 परिवार विस्थापित हुए हैं। उनको भी भारत सरकार ने ढेर सारी चिंता करी है, मैं आगे बताता हूं। मगर ये बिल जो है मान्यवर, 3 सीटें 2 जम्मू कश्मीर से विस्थापित परिवारों के लिए और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से विस्थापित आए हुए कश्मीरी भाइयों के लिए रिजर्व करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मन के साथ, चाव के साथ और संवेदना के साथ मान्यवर, ये जो फैसला है उसी एक्ट का हिस्सा है जिस एक्ट को सब चैलेंज करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, जब आप 5 अगस्त 2019 के बिल को चैलेंज करते हो तब आप डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को भी चैलेंज करते हो। ये मत भूलो कि आप इनके रिजर्वेशन के खिलाफ बात करते हो। मान्यवर, डिलिमिटेशन कमीशन ने गंभीरता से विचार करने के बाद समुदायों का प्रतिनिधित्व नॉमिनेशन द्वारा कराने की सिफारिश की है। और मान्यवर, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, जो आज स्वाभाविक है राष्ट्रपति शासन है, उसने भी अपना अभिप्राय डिलिमिटेशन कमीशन को दिया था। भारत सरकार ने के गृह मंत्रालय ने भी दिया था कि इनके प्रति सिंपथेटिक व्यू लेना चाहिए, इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जब वो अपनी जमीन में ही नहीं है तो असेंबली में कैसे चुनकर जा सकते हैं मान्यवर। और ये आदेश उन्होंने प्रकाशित किया था जिसको आज कानूनी जामा पहनाकर मैं ये बिल को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मान्यवर, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने और भी कई फैसले किए हैं, मैं जरा सदन के सामने पूर्व की स्थिति और अभी की स्थिति बताना चाहता हूँ। पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सीट थी, अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट जम्मू क्षेत्र में बनाने का काम। मान्यवर, कश्मीर में 46 सीटें थी, अब 46 की जगह 47 सीटें बनाने का काम। इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी। लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी, 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है जिसको भारत सरकार ने माना। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले, इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। मान्यवर, अब तक एससी एसटी की सीटों में बड़ी विसंगतताएं भी थी और जो दिग्विजय की कहते थे संवेदनशील अप्रोच होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, एससी एसटी के प्रति संवेदना से ही यह निर्णय हुआ है। पहले जो 7 सीटें थी एससी की उसको हमने बरकरार रखा और एसटी की सीट शून्य थी क्योंकि धारा 370 परमिट नहीं करती थी, अब परमिट करती है, 9 सीटों को रिजर्व कर दिया। अरे जो कह रहे थे हमारे डॉक्टर साहब कि गुर्जर बकरवालों ने इस देश को बचाया है, मैं सदन में इस देश के गृह मंत्री के नाते कहना चाहता हूं मान्यवर, कभी भी युद्ध हुआ
कभी भी आतंकवादियों ने पैंतरे रचे, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों ने भारत के तिरंगे को ऊंचा किया। और आज सालों के बाद आज उनको न्याय मिलने जा रहा है, इसका कम से कम मुझे तो बहुत संतोष है। किसी को संवेदनशीलता दिखे या न दिखे, 75 साल तक उनका अधिकार जो भारत के संविधान ने दिया था, कौन रोक कर बैठा था? क्या कोई जवाब दे सकता है? जम्मू कश्मीर के एसटी भाइयों के अधिकारों को कौन रोक कर बैठे? ये तीन परिवार रोक कर बैठे थे मान्यवर, जो 370 को एंजॉय कर रहे मान्यवर। और इसके अलावे भी ओपन सीट में भी वो लड़ सकते हैं मान्यवर। दिग्विजय सिंह ने कहा, मान्य सदस्य ने कहा कि भाई इसमें स्पष्टता नहीं है, इनको कितनी मिलेगी। मैं फॉर इंफॉर्मेशन दिग्विजय सिंह को कहना चाहता हूं, ये इन प्रिंसिपल बिल है, ट्राइबल डिपार्टमेंट और ओबीसी डिपार्टमेंट से अलग से इसके बिल आएंगे, जिसमें इसके रिजर्वेशन की सीटों की और चिन्हित करने की व्यवस्था होगी, वो एक अलग प्रक्रिया है, मगर ये स्पष्टता से कर देते। मैं दिग्विजय सिंह को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ सर, जब भी वो हंसकर बोलते हैं तब बहुत समाज के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, बड़ा रिकॉर्ड है उनका, मैं रिकॉर्ड को जानता हूँ। आज भी हंसकर बोले, मैंने बोला क्या निहितार्थ थे, फिर मैंने ध्यान से उनकी चीज को याद कर सोचा तो मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने कहा कि भाई किसी का छिनकर तो नहीं लगो, ये गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं। मैं आज फिर से कह देता हूं मान्यवर, बैठ जाइए दिग्विजय जी, अब हो गया, लोग समझ चुके हैं आपको, बैठ जाइए मान्यवर। He's not yielding. He's not yielding. Go ahead. Honorable Home Minister. He's not yielding. मान्यवर, मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, गुर्जर भाइयों की एक भी सीट लिए बगैर बड़े संवेदनशीलता से बकरवाल भाइयों को दिया गया, हमें कोई आपत्ति, गुर्जरों को जो फायदा मिला है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ट्राइबल के सारे फायदे एजुकेशन में और बाकी सारे नौकरियों के रिजर्वेशन में जितने भी फायदे गुर्जर भाइयों को मिल रहे हैं, पहाड़ियों को मिल रहे हैं, वो पहाड़ियों को जो भी मिलेगा वो उसके अलावे मिलेगा, एक भी नौकरी ना खत्म होगी, ना एक भी शिक्षा की सीट खत्म होगी, पूरा का पूरा अधिकार आपका भी रहेगा उनका भी। मान्यवर, एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि जवाहरलाल नेहरू जी का कश्मीर के लिए कंडक्ट और इस पर हमारा नजरिया थोड़ा तंग है। जहां तक तंग नजरिए का सवाल है साहब, देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए, किसी को अधिकार नहीं। मैं आज फिर से कहता हूं, ये आरोप से मैं सहमत हूं, हमारा नजरिया तंग है, देश की एक इंच जमीन भी जाती है तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सर्वोच्चता से संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा और लड़ेगा, हमें कोई इसमें शर्म की बात। मान्यवर, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं, बहुत कुछ कहा है, अभी कहा गया नेहरू के कारण कश्मीर यहां है, नेहरू जी के न होते तो शायद ये बिल ही नहीं आता और कश्मीर होता ही नहीं, इस तरह से कहा। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो आजादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे क्या? तो यहां गवर्नमेंट नहीं, यहां नेहरू, क्या कर रहे हो खड़गे जी, अभी भी वापस आओ। तो
एक मिनट रिकॉर्ड पर है कश्मीर में दिग्विजय जी ने जवाहर सरदार पटेल का नाम नहीं लिया, एक नाम लिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम दिया जवाहरलाल नेहरू का, तो वो होम मिनिस्टर थे, क्यों नहीं दिया भाई? अब सुनिए दिग्विजय जी, अब सुनिए, सुनना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हमने सुना है, धैर्य से सुना है। मान्यवर जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए, एक ही जगह देखते। मान्यवर दूसरा, विलय लेट क्यों हुआ? सारे लोग जानते हैं साहब, इतिहास को 1000 फुट नीचे दफन कर दो, वो ऐसा बीज है जो वटवृक्ष बनकर सच्चाई बाहर आ जाती है। सब जानते हैं कि हमारा विलय इसलिए लेट हुआ कि महाराजा पर किसी एक व्यक्ति को विशेष स्थान देने का आग्रह था, शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था, इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर 370 क्यों नहीं है? ना जोधपुर में है, ना जूनागढ़ में है, ना हैदराबाद में है, ना लक्षद्वीप में है, क्यों 370 नहीं है? कि संवेदनशील हृदय के कारण 370 है, संवेदनशील हृदय। मान्यवर कंडीशन किसने रखी, किसने स्वीकार किया? इतिहास जवाब मांगता है, देश की जनता जवाब मांगती है, जवाब देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते इतिहास से कोई। मान्यवर सेना भेजने में देरी क्यों हुई? और ये कहते हैं कि इसके बाद भी देरी हुई है। मैं साहब एक रेफरेंस सैम मानेकशॉ का देना चाहता हूं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ तब डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस थे। उन्होंने एक जगह पे कहा है कि कबीलाई हमलावर आक्रमक और लूट मचा रहे थे, तब चर्चा में ही व्यस्त थे। मैं व्यक्ति का नाम देना नहीं चाहता वरना खड़े हो जाएंगे। तब एक मीटिंग में सैम मानेकशॉ मौजूद थे। सरदार पटेल जी ने नेहरू जी को कहा, जवाहर आप कश्मीर चाहते हो या नहीं चाहते हो, देरी क्यों हो रही है? तब जाकर सेना भेजने का निर्णय हुआ। जवाब देना पड़ेगा। नहीं दिग्विजय भी ऐसे मत करे, मैं भेज दूंगा आपको, पुस्तक ही भेज दूंगा। मान्यवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर इज नॉट यील्डिंग Honorable Home Minister is not yielding. मान्यवर एक बात सर्वविदित है,